अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम टू बॉटनी ज़ोन। माई सेल्फ शुमाइल रमज़ान। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल रदर दैन इंक्रीज इन देयर सेल साइज। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की नंबरिंग कैसे इंक्रीज़ हो रही होती है, ना कि बैक्टीरिया के साइज़। और जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, वो टेक प्लेस होती है एक्सपोनेंशियल मैनर्स, मींस के एक सेल का डिवाइड हो जाना फर्दर 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। एंड देन फैक्टर्स कौन से हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ को, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, फेवरेबल कंडीशन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये फैक्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। देन हम देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली बाय मींस बाइनरी फिशन, और मोस्ट बैक्टीरिया रिले ऑन बाइनरी फिशन फॉर प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन मींस के ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ होना इन नंबर्स में, उसको कहते हैं प्रोपिगेशन। और बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन बेसिकली एक फॉर्म होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें ऑर्गेनिज्म हो या सेल हो वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू में, और उनका ईच पार्ट कैरिंग वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बेसिकली बाइनरी फिशन ये होता है कि जिसमें एक सेल डिवाइड हो फर्दर दो सेल्स में, उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। इसके डायग्राम में देखें, बाइनरी फिशन जो है इसके न्यूक्लियोइड हो गया, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, रेप्लिकेटेड आरएनए जो है ये मिलके जो है वो क्या बना रहे होते हैं, ट्रांसफर सेप्टम बना रहे होते हैं। ये ट्रांसफर सेप्टम बनाते हैं, यही ट्रांसफर सेप्टम जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इंटू टू डॉटर सेल्स में, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। उसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ कर्व क्या होती है। ग्रोथ कर्व इन अ क्लोज सिस्टम विद इनफ न्यूट्रिएंट्स आर बैक्टीरिया शो अ प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न, दैट इज़ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इट्स मीन के एक क्लोज सिस्टम के अंदर जितने इनफ न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को चाहिए होते हैं वो मौजूद हों, तो बैक्टीरिया जो है वो अपना एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं, तो उसको हम बेसिकली जो है वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व कहते हैं। फिर हम उस डिस्कस करेंगे इसके फेसेस क्या हैं बैक्टीरिया ग्रोथ के कर्व के। इसके 4 फेसेस हैं, लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस एंड डेथ फेस। अब हम इन फेसेस को जो है वो एक कर्व की मदद से हम देखेंगे कि इसके ज़रिए हम देखेंगे कि टाइम के ज़रिए द पैसेज ऑफ द टाइम कि कैसे जो है वो बैक्टीरिया की नंबरिंग में इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहला जो फेस है वो लैग फेस, देन लॉग फेस, स्टेशनरी फेस एंड डेथ फेस। ये जो हैं बैक्टीरिया के 4 बेसिकली फेसेस हैं बैक्टीरिया ग्रोथ के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैग फेस। लैग फेस जो होता है ये फर्स्ट फेस होता है, इसको हम पॉज भी बोलते हैं। पॉज मींस वक्फा। इसमें बेसिकली ये होता है कि बैक्टीरिया जो है अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब इस फेस में बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं होते, मतलब आप सिर्फ अपने आप को जस्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। इस फेस को हम लैग फेस कहते हैं। दूसरा जो फेस है दैट इज़ लॉग फेस। लॉग फेस जो है वो लैग फेस के बाद आता है, इसको प्रिपरेशन फेस भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हैं और लॉगरिथमिक फेस भी कहते हैं। इस फेस में ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, और जब बैक्टीरिया इस फेस में आ जाते हैं ना तो वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, और ये इनकी जो डिवीजन होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर जब इनकी डिवीजन हो रही होती है, मींस कि इनके अंदर डबलिंग हो जाती है बैक्टीरियल सेल्स की, उसको हम क्या कहते हैं, लॉग फेस कहते हैं। देन इसका फेस है थर्ड फेस, दैट इज़ स्टेशनरी फेस। इस फेस में एक ऐसा फेस होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया की जो डेथ रेट होती है वो जो है वो इक्वल हो जाती है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शंस के, मींस के बैक्टीरिया की जो डेथ रेट होती है ना वो इक्वल हो जाती है इट्स रिप्रोडक्शन रेट के। मतलब इसमें बैक्टीरिया की जो है पॉपुलेशन जो है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाती है, और बैक्टीरिया जो है वो डेथ और इसमें फॉर्मेशन फर्दर नहीं हो रही होती, बस ये स्टॉप हो जाते हैं, डेथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट इक्वल हो जाती है। इसका फोर्थ फेज दैट इज़ कॉल्ड डेथ फेस या डिक्लाइन फेस बोलते हैं। एक ऐसा फेस होता है जिसमें बैक्टीरिया की डेथ होती है, मतलब इसमें जो है इसमें डेथ रेट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, इट्स मीन कि डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिप्रोडक्शन रेट के, क्योंकि इसमें बेसिकली ही बैक्टीरिया की डेथ ही काज हो रही होती है, और इसमें कोई फार्मेशन फर्दर जो है वो न्यू सेल्स की फार्मेशन नहीं होती, बस यहीं पे आके बैक्टीरिया
जो है वो इनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। इस डेथ जो है वो बेसिकली इनकी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी हो सकती है, कुछ फिजिकल कंडीशंस या इंजरीज़ की वजह से जो है वो बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।